टू किचन कॉर्नर। तो कैसे हैं आप? तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार स्प्रिंग रोल, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक बॉल मैंने लिया है बंद गोभी, एक बॉल शिमला मिर्च, एक बॉल गाजर, एक बॉल मैंने लिया है चिकन, 2 चम्मच लिए हैं मैदा दही बनाने के लिए और थोड़ा सा हरी प्याज, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। तो बनाना शुरू करें। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हरा प्याज डालेंगे, 1 मिनट के लिए इसे सोते कर लेंगे, गाजर डाल के इसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे से सोते कर लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, गाजर हमारी सोते हो गई है, अब शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च को भी डाल के अच्छे से 2 मिनट के लिए सोते कर लेंगे, बंद गोभी डालेंगे, बंद गोभी डाल के भी इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए। चिकन डालेंगे इस पॉइंट पे आके, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, 1, 2 और 2 चम्मच चिली सॉस डालेंगे, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो फिर आप 2 ही डालें, अगर नॉर्मल इस्तेमाल करना है तो फिर आप 1 चम्मच डालें, 1 टेबल स्पून सिरका, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे भुनेंगे ताकि जो वेजिटेबल है अच्छे से कुक हो जाए। हम अब स्पाइस डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, काली मिर्च, वाइट पेपर डाल के अच्छे से 2 मिनट इसे भून लेंगे, तो 5 मिनट हो गए इसे अच्छे से भूनते हुए, मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे फिर हम इसे उतार देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो वेजिटेबल हमारी अच्छे से कुक हो गई है, अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा, मेज़े को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, इतनी देर में हम अपने स्प्रिंग रोल की स्टफिंग कर लेते हैं। 2 चम्मच मैदा लेंगे और पानी डाल के इसकी लई बना लेंगे, तो लई तैयार है, इसको साइड पर रखेंगे, अब हम स्टफिंग कर लेंगे स्प्रिंग रोल की। 1 चम्मच चिकन लेंगे, तो इसको रोल कर लेंगे, साइडों पे लई लगाएंगे, तो इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। तो सब रोल में हमने स्टफिंग अच्छे से कर लिया, अब हम इसे फ्राई। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो पे होना, हो ज़्यादा होगा तो ये जल जाएंगे, अच्छे से कुक नहीं होंगे। साथ साथ इसकी साइड चेंज करेंगे, तो रोल हमारे अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्प्रिंग रोल। तो मैं आपको, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।